हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, हमारे घर में बहुत सारा सामान ऐसा होता है ना जिसको हम बेकार समझ करके उठा के फेंक देते हैं कि यूज़ का नहीं है, लेकिन उसमें अगर हम थोड़ा सा आइडिया लगाएं ना तो वो बहुत ही काम की चीज़ें बन के तैयार हो जाती हैं। तो आज मैं कुछ ऐसे ही आइडियाज़ लेकर आई हूँ किचन के लिए, कुछ ऑर्गेनाइज़र और कुछ हैक्स जो कि हमारे डेली लाइफ में बहुत ही यूज़फुल हैं। तो अगर आपको ये आइडियाज़ अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है मेरा फर्स्ट आइडिया। ये एक मेरे पास कार्डबोर्ड का छोटा सा डब्बा है, तो इससे हम ऑर्गेनाइज़र बनाते हैं। बस इसके साइड की इस पट्टी को काट लेना है और इसके मिडिल में एक लंबी सी निशान लगा करके इस तरीके से छोटा सा एक राउंड शेप में इसको काट लेना है। कुछ इस तरीके से कट के तैयार हो गया है। तो अब हम इसके ऊपर इस तरीके का चार्ट पेपर, न्यूज़पेपर, कुछ भी इस पे के ऊपर आप रैप कर सकते हैं और ये हमारा एक ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार हो गया झटपट से। और इसके अंदर अब हम टिशू पेपर रखेंगे। ये टिशू पेपर होल्डर है। अब देखिए इसके अंदर कितनी अच्छी तरीके से हमारा टिशू पेपर जो है ऑर्गेनाइज हो गया। और आप इसको थोड़ा सा कॉर्नर निकाल के इस होल से बाहर कर दें और इसका ढक्कन बंद कर दीजिए। देखिए कितना ब्यूटीफुल सा हमारा एक टिशू पेपर का ऑर्गेनाइज़र तैयार हो गया है। चलिए नेक्स्ट ऑर्गेनाइज़र है। ये भी एक कार्डबोर्ड का ही डब्बा है और ये भी फ्लिपकार्ट वगैरह से जो आता है ना वैसा डब्बा है। तो इसके ऊपर का मैंने काट के निकाल लिया था और ये मेरे पास थोड़ा सा कपड़े का एक टुकड़ा पड़ा था तो इसके ऊपर ग्लू लगा के मैंने इसको रैप कर दिया इस डब्बे के ऊपर। तो कुछ इस तरीके का ट्रे बन के तैयार हो गया हमारा। तो इस ट्रे में ना आप कुछ भी ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। जैसे मैंने इस पर ये छोटे छोटे बोतल रखे हैं, ये भी जैम के ही बोतल थे जिसको मैंने गोल्डन पेंट करके कुछ इस तरीके का बोतल बना लिया था। और इसमें आप इस तरीके का बोतल ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। और इसके साइड में ये छोटा सा जैम का ही बोतल था, इसको पेंट करके मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाला और इसके अंदर एक मनी प्लांट और एक पर्पल हार्ट का टहनी लगा दिया और ये पानी में बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएगा। तब देखिए कितना ब्यूटीफुल सा एक हमारा ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार हो गया है। इस ट्रे को आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट आइडिया है, ये भी एक जैम का बोतल है। तो इसके ऊपर जो है ना फ्रेंड, ये जो आता है ना हमारा फ्लिपकार्ट से सामान करके या अमेजन से कोई भी सामान जब हम मंगवाते हैं तो इस तरीके का रैपिंग पेपर आता है उसके साथ रैप करके सामान के साथ। तो बस कुछ नहीं करना है, इसके बोतल के ऊपर ग्लू लगाएंगे और इस रैपिंग पेपर को इसके ऊपर इसके साइज का काट के चिपका देंगे और इसको बैक में भी थोड़ा सा ग्लू लगा करके इस पेपर को चिपका देंगे। बस सीधा करके जो एक्स्ट्रा पेपर है ना उसको काट लेंगे। और कुछ इस तरीके की जो डोरी आती है ना उसको हम इसके मुंह पर इस तरीके से लपेट देंगे घुमा के। और यहाँ इसको टाई अप कर देंगे और देखिए कितना ब्यूटीफुल सा हमारा एक जार बन के तैयार हो गया। तो इसके अंदर आप इस तरीके का कैंडल जो है डाल दीजिए और ये देखिए कितना ब्यूटीफुल सा एक कैंडल स्टैंड बन के तैयार हो गया था। तो आप इस ट्रे में जो है ना जो हमने पहले बनाया था उसमें भी इसको रख सकते हैं। इस कैंडल स्टैंड को रखिए एक तरफ और एक तरफ आप कुछ भी रखिए, कोई प्लांट रख दीजिए या कुछ भी सामान आप अपना। और ये देखिए मैं यहाँ पे प्लांट वाला ही बोतल रख के दिखाती हूँ आपको, ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। इस ट्रे को आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, आप लिविंग रूम में, बेडरूम में, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा लुक दे रहा है। और देखिए बिल्कुल झटपट बन के तैयार हो गया था। तो ये नेक्स्ट ऑर्गेनाइज़र है इस तरीके का हमारा चूड़ी,
जो कि आप चार का सेट लेकर आते हैं, दो तीन टूट जाती है और एक दो इधर उधर पड़ी रहती है। तो चलिए इससे हम ऑर्गेनाइज़र बनाते हैं। तो कुछ नहीं करना है फ्रेंड, अपने टॉवल जो किचन के टॉवल होते हैं ना उसको इसमें डाल देना है मोड़ करके, और इस तरीके से हमारा टॉवल का ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार हो जाता है। इसको हम लगाएंगे इस तरीके के हुक में, ये जो आता है ना हमारा डबल टेप वाला हुक, इसको हम अपने टाइल्स पे लगा देंगे जहाँ पे भी हमको इस टॉवल को लगाना है, और बस इस चूड़ी को हम उस हुक में लगा देंगे कुछ इस तरीके से, और हमारा टॉवल का ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार हो गया। देखिए ये कितना अच्छे से ऑर्गेनाइज हमारा टॉवल रहता है इस तरीके से। तो अब नेक्स्ट हमारा आइडिया है इस तरीके का जो टिशू रोल आता है ना किचन में यूज़ करने के लिए, इसको रखने में हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए मेरे पास एक हैक है, कुछ इस तरीके का जो प्लास्टिक का हैंगर आता है ना फ्रेंड्स कपड़ा रखने वाला, तो आप उसको आराम से इस रोल को उसमें लगा के रख सकते हैं। तो ये तो खुलने वाला हैंगर था, तो बस यहाँ से किनारे से उसको खोल लीजिए हुक को, और इसको इसमें लगा के रोल को और इस हुक को इसमें लगा दीजिए। आपके पास अगर ये खुलने वाला हैंगर नहीं है तो आप हैंगर को बीच से काट के इस तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अपने रोल को, और बस इसी तरीके के एक हुक में दीवार में हुक लगा के उसके ऊपर आप इसको लगा दीजिए, और ये बहुत आसानी से जो है आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और ये यूज़ करने में बहुत ही आसानी हो जाती है इस तरीके से। तो नेक्स्ट आइडिया है इस तरीके का, हमारे पास ट्रे रहता है जो कि थोड़ा सा कहीं से टूट गया या पुराना हो गया तो हम उसको यूज़ नहीं करते हैं, पर इसको यूज़ करने का मेरे पास एक बहुत अच्छा सा आइडिया है। आप इस ट्रे में एक न्यूज़पेपर को फोल्ड करके रख दें और इसके ऊपर आप अपना जो आयल का स्पेंसर वगैरह होता है ना आपका उसको उस पर रख दें। तो ये बहुत अच्छा एक ऑर्गेनाइज़र है आपके आयल के बोतल के लिए, और ये देखिए कितने अच्छे से हमारा आयल का बोतल ऑर्गेनाइज हो गया, और जो भी उससे एक्स्ट्रा आयल निकलेगा वो उस न्यूज़पेपर में जो है अब्जॉर्ब हो जाएगा, और आप इस न्यूज़पेपर को वीक में निकाल के चेंज कर दीजिए तो आपका एकदम से आयल का जो डब्बा है एकदम से क्लीन रहेगा। तो नेक्स्ट जो आइडिया है, इस तरीके का टी शर्ट होता है बच्चों का या बड़े का, कोई भी कपड़ा जो कि हम यूज़ नहीं करते हैं, कुछ फटा हुआ रहता है पुराना रहता है, तो उसको कुछ के नहीं करना है, बस छोटे छोटे पीसेस में उसको काट लेना है, रफली काटना है, कोई ये नहीं है कि इसी तरीके से काटना है या उसी तरीके से काटना है, रफली किसी भी साइज़ का किसी भी शेप का हम इसको काट लेंगे छोटे छोटे टुकड़ों में, और बस उसको फोल्ड करके आप अलग अलग रख दीजिए। हमारे पास कुछ इस तरीके का जैसे मोबाइल वगैरह का डब्बा आता है तो आप उसमें भी इसको ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं, इसके ऊपर आप रैप कर लीजिए किसी पेपर से या ऐसे भी रखिए, तो इस तरीके से आप इस कपड़े को उसमें ऑर्गेनाइज करके रख लीजिए, और जब भी हमको ज़रूरत होती है ना किचन में कहीं पे आयल गिर गया या चूल्हा गंदा हो गया तो बस उसको आप उससे साफ़ कीजिए उस कपड़े के टुकड़े से और उसको फेंक दीजिए टिशू की जगह पर। तो अगर आपको ये आइडिया अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये आइडियाज़ आपको कैसा लगा। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरीके के नए नए आइडियाज़ के साथ।